प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन कल के लिए बेस्ट इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्केट अपडेट दे देता हूँ। देखिए, आज मार्केट ने कितना शानदार मूवमेंट करा है। 12,080 के ऊपर निफ्टी मूवमेंट करके आया है। करीबन 44 स्टॉक ऐसे थे जिस जो पॉजिटिव थे, और 6 स्टॉक ऐसे थे जो नेगेटिव थे। ठीक है, कुछ न्यूज़ बेस्ड मार्केट में आज मूवमेंट हुआ, जैसे महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ से चल के कल भी मूवमेंट न्यूज़ बेस्ड ही होगा, जब 10:30 बजे यहाँ पर जो फैसला आएगा कोर्ट का जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो भी लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते तो थोड़ा संभल के करें। ठीक है ना, और थोड़े बहुत तो ऐसे थे जो, मतलब मान लीजिए कि जो निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनी में से कुछ स्टॉक ऐसे थे जो सेंसेक्स में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी। उस स्टॉक उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने एक शानदार मूवमेंट किया, आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक पे लेके चलता हूँ। दोनों स्टॉक जो है टॉप लूज़र और टॉप गेनर में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टॉक है मेरा दोस्तों है वो है ग्रासिम का। ठीक है, जिसमें आज के दिन भी एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, शानदार मूवमेंट हुआ, जिसमें आप देख सकते हो दोस्तों कितना शानदार मोमेंट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो करेंट मार्केट प्राइस करीबन 4% की तेज़ी देखी गई, और इसका हाई देख सकते हो, और आज का ओपन और प्रीवियस क्लोज देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट कैपिटल, ट्रेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्लैक में, नंबर ऑफ शेयर में 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो देख सकते हो। अब जो भी पॉइंट पे इसका रिसर्च हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस पॉइंट पे इसका रिसर्च हुआ है अपना। ठीक है, मैं ये सॉरी थोड़ा दोस्तों गलत स्टॉक ओपन हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा गलत स्टॉक ओपन हो रहा है, तो आपको मैं थोड़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये आज का इंट्राडे चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हो, करेंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हो। ठीक है, जो मोमेंटम के हिसाब से चार्ट ने शानदार मूवमेंट किया है, जिसमें जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस पॉइंट पे एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर एक नई, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर नई बाइंग हुई, जिसके कारण शानदार वॉल्यूम आया, और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट पे शानदार वॉल्यूम देखा गया, और शानदार बाइंग और सेलिंग प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही, तो ज़्यादा मतलब वॉल्यूम क्रेडिट हो रहा था, तो जिसके कारण यहाँ पर भी आप देख सकते हो जब मार्केट बंद हो रहा था तो ये स्टॉक अपसाइड जा रहा था, थोड़ा थोड़ा अपसाइड जा रहा था। तो जिस अकॉर्डिंग कल की डेट के लिए मैं टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ, वो डेफिनेटली पक्का इसमें आप लोगों को दोस्तों। अगर कल की डेट में दोस्तों अगर थोड़ा भी प्री मार्केट में भी सेटलमेंट होता है, उसके बाद भी अगर आपको मिलता है ये स्टॉक करीबन 2824 पे, तो इसको आसानी से बाय करिए। करीबन 834 का टारगेट लेके चलिए, करीबन 820 का स्टॉप लॉस लेके चल रही दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हमें जो सेकेंड स्टॉक है दोस्तों वो है मेरा जी इंटरटेनमेंट का। ठीक है, जी इंटरटेनमेंट में आप लोगों को देख रहे होंगे कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही, कुछ न्यूज़ आया था उसमें उसने शानदार प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, शानदार मूवमेंट करा था इंट्राडे मार्केट में, देन उसके बाद वापस गिरने लगा है, और आज के दिन भी आप देख सकते हो कितना खतरनाक मूवमेंट करा है नेगेटिव साइड। तो ये स्टॉक, ये कंपनी ऐसी हो गई जो डेली बेसिस पे आप इसको वॉच लिस्ट में रख के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज का करेंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हो, लो चेक कर सकते हो, और ओपन चेक कर सकते हो। ठीक है, मार्केट कैप यहाँ चेक कर सकते हो, कितना है ट्रेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्लैक में, नंबर ऑफ शेयर में चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसके भी कुछ रिसर्च पॉइंट पर दिखा देता हूँ, इसका भी रिसर्च पॉइंट किस किस हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं इसका भी चार्ट ओपन करके दिखाई देता हूँ, या आप लोगों के सामने इसका चार्ट ओपन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसका इंट्राडे चार्ट ओपन हुआ है। ठीक है, आज थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। ठीक है, आप करेंट मार्केट प्राइस देख सकते हो, ये देखिए मूवमेंट, चार्ट का मूवमेंट इस प्रकार होता है तो शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जो हैंडल इसका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये हैंडल शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सेल का ही बता रहा है कल की डेट के लिए भी, तो दोनों पॉइंट पे गिरावट ही देखने को मिली, ज़्यादातर क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो रही थी इसमें। ठीक है, बाइंग प्राइस तो मैं बोलूँ तो बहुत कम देखने को मिली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कल की डेट के लिए अगर मैं बात करूँ, या आप लोगों को दोस्तों अगर कल की डेट में करीबन 340 के समथिंग मिलता है तो सेल करिए इसको डेफिनेटली। इसमें भी 10 रुपये का टारगेट मेंटेन करके चलिए, और करीबन इसमें भी
4 रुपये का हिसेल मेंटेन करके चलिए। दोनों स्टॉक में 4-4 रुपये का हिसेल और 10-10 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। दोनों स्टॉकों में दोस्तों प्रॉपर रिसर्च हुआ है। प्रॉपर रिसर्च के बाद टेक्निकल फंडामेंटल मूवमेंट के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से स्टॉक ने आज के लिए मूवमेंट करा है, उसी अकॉर्डिंग कल के लिए भी ये मूवमेंट आप लोगों को देंगे, ठीक है। जो भी न्यूज़ आता है अब 10:30 बजे के बाद, जो भी कोर्ट फैसला सुनाती है उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट में थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना। जो भी पोजीशन आप आपके मन से लगाओ या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को देखते हुए लगाओ या मेरी पोजीशन पे लगाओ, तो थोड़ा देखते हुए लगाना कि मार्केट का सुबह से मूड क्या है, सुबह से मूड क्या है। जैसे आज आपने देखा होगा कंटिन्यूसली वन साइडेड मूवमेंट था, अगर उसी अकॉर्डिंग कल की डेट में भी रहता है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो ज़रूर लाइक करना पसंद आया हो तो, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट टिप्स, इंट्राडे टिप्स और मार्केट अपडेट देते रहता हूँ मैं आप लोगों को। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।